यह इफ्ट का ये हम लोग का एसोसिएशन है एंड जितने कोरियोग्राफर्स हैं पुराने नए हम सब मिलते हैं 9th of January को वर्ल्ड डांस डे में और हम लोग फेलिसिट करते हैं हम एक दूसरे को सो एक दूसरे को हम फेलिसिट करते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये रीयूनियन है जैसे कि व्हेन यू नीड टू मीट एक मंदिर होती है एक मस्जिद होती है वैसे हमारे लिए ये है तो हम सब एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे की बातें शेयर करते हैं एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं एक दूसरे से मुतासिर होते हैं इन्फ्लुएंस होते हैं सो दिस बेसिकली फॉर दैट मेरे अभी है चल रहे हैं स्क्रिप्टिंग कपल ऑफ फिल्म्स दो फिल्म साइन की है एज ए डायरेक्टर अभी वो एक अभी शुरू हो जाएगी ये साल और एक अगले साल तो होप सो इट ऑल गोज़ वेल काफी सालों से ऑलमोस्ट 15 साल हो गए मुझे सो आई थिंक कभी भी यहाँ पे जब आते हैं हर साल हम लोग मिलते हैं इट लुक्स लाइक एज इफ हमारा एक फैमिली गैदरिंग हो रहा हो और कभी भी फैमिली गैदरिंग होती है तो खुशी तो होती ही है एंड टुडे इज कोरियोग्राफर्स डे सो आई थिंक इट्स इवन मोर स्पेशल फॉर ऑल कोरियोग्राफर्स एंड I'm happy and glad that I'm here today. बहुत ही बेहतरीन कोरियोग्राफर तो आप हैं लेकिन अगर मैं जानना चाहूँ कि इंस्पिरेशन किससे लेते हैं आप डांसर के तो मेरी इंस्पिरेशन आई वुड से कम्स फ्रॉम माइथोलॉजी आई एम अ एविड रीडर ऑफ वर्ल्ड माइथोलॉजी इंडियन माइथोलॉजी अब मैं 40 साल से ऊपर हो गया मैं माइथोलॉजी पढ़ता आ रहा हूँ एंड आई थिंक दैट्स वॉट इंस्पायर्स मी एंड आई थिंक माइथोलॉजी से हमें इतना सीखने को मिलता है द डांस इटसेल्फ बिकम्स इम्प्रूव्ड इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इंडियन डांस करें या वेस्टर्न डांस करें आई थिंक डांस इज जस्ट यूनिवर्सल लैंग्वेज और वो किसी भी चीज़ से इंस्पायर हो सकती है मेरा डांस इंस्पायर्ड थ्रू माइथोलॉजी बॉलीवुड फिल्म हैं कुछ मेरी रिलीज हो रही हैं एक है फिल्म कॉल JD इट्स अबाउट जर्नलिस्ट आप सबके ऊपर ये फिल्म है एंड आई होप यू विल एंजॉय इट इस साल रिलीज होने वाली है एंड चंद्रा जी की फिल्म है इट्स कॉल्ड साइक्लोन अरुणा राजे जी की फिल्म है इट्स कॉल्ड झूम जिंदगी झूम ये कुछ फिल्में हैं आप देखिए एंड आई एम क्वाइट श्योर यू लाइक इट थैंक यू लगता है में कभी कभी हो जाता है कि ये ठीक है कौन गुरु बन चला पहले सर ये गुरु हैं मैं चेला हूँ तो कभी कभी ये इनसे एडवाइस भी ले लेते हैं कि ये ठीक है ये ठीक नहीं है तो सर नए साल में कुछ डांस को लेकर कुछ नया रेजोल्यूशन क्या आपने कि वो वाला स्टेप रह गया मेरा वो जरूर हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ स्टेप बनता नहीं वो ये भी चल जाता है पॉकेट भी चल जाता है और फालू डांस भी चल जाता है ना तो ऐसा कुछ रेजोल्यूशन होते नहीं बट दिस इज़ अ डे वीक एज अ मैंने कहा था पहले कि एक मंदिर होती है एक मस्जिद होती है जुमा नमाज एक साथ सब पढ़ते हैं तो ये हमारा 9th of January होता है जब हम एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे से मुतासर होते हैं एक दूसरे की चीज़ों के बारे में बात करते हैं एंड वी ट्राई टू
प्रोसीड एंड मेक थिंग्स हैपन। आप जानते हैं आजकल की लाइफ जो है बहुत ही बिजी हो गई है और हम सब, बल्कि हम साथ में काम करते हैं लेकिन कभी एक साथ मिल नहीं पाते हैं पूरे साल। ये एक ही दिन का मौका मिलता है जब यहाँ पे सभी लोग एक साथ मिलते हैं। सो इट्स इट्स द बेस्ट। आजकल इतने सारे नए नए डांसर्स आते हैं, मतलब कि उनको सभी को संभालना मुश्किल हो गया, तो आपने कोई अपना इंस्टीट्यूट खोलना चाहा या सर आपने कोई अपने प्लानिंग करी हो कि मैं स्कूल खोलूँगा अपने? नहीं देखिए, जैसे ये तो स्कूल ही है ना जो हम यहाँ काम करते हो, हमारे असिस्टेंट्स आगे निकलते हैं। करेक्ट, दिस इज़ अ स्कूल। लाइक मैं सरोज जी के साथ था, फिर मेरे साथ रेमो थे, इन्होंने निकाले हैं, उमेश थे, इनके नीचे 10 और निकले हैं। तो दिस इज़ एन इंस्टीट्यूट, तो वी डोंट नीड टू गो आउटसाइड। तो हम चाहते हैं कि हमारे डांसर्स ही असिस्टेंट्स बने, असिस्टेंट्स ही कोरियोग्राफर्स बने, एंड देन यू कीप पासिंग इट ऑन टू योर। आज के बाद क्या होने वाला है, आप परफॉर्म करने वाले हैं, स्पीच तैयार करके लाए हैं? जब फैमिली से मिलने आते हैं तो कोई स्पीच तैयार नहीं करते, तो हम सिर्फ वैसे ही आ जाते हैं। तो परफॉर्मेंस वाइज तो आई थिंक पूरे साल हम लोग नाचते हैं, आज हम देखेंगे कि क्या है। सर जहाँ तक बात करें, अंदर देखें तो बहुत सारे माइकल जैक्सन बने पड़े हैं सर, आप डांस को सिर्फ माइकल जैक्सन ही डिफाइन कर पाए और कोई डांसर नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। माइकल जैक्सन इज बीन माइकल जैक्सन, रिक्शे वाले से पूछो और एक फाइव स्टार होटल रहने वाले से पूछो, दे ऑल नो हिम, दैट्स ओनली थिंग। सो इट्स दैट वे। मेरे लिए ऑफकोर्स मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका। मैंने जब स्टार्ट किया था डांसिंग तो उन्हीं को देख के स्टार्ट किया था। तो बहुत डांसरों के ऊपर, मतलब वर्ल्ड में अगर 100% डांसर हैं तो उसमें से 80% शायद डांसर इसलिए बने क्योंकि उन्होंने माइकल जैक्सन को देखा, उनको फॉलो किया। तो कहीं ना कहीं हाँ, हर डांसर में एक माइकल जैक्सन छुपा हुआ। आप दोनों से पूछना चाहेंगे आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या क्या कोरियोग्राफ कर रहे हैं, क्या मतलब है? साल शुरू हुआ है तो है, अभी कोरियोग्राफर्स का ऐसा होता है कि हम प्रोजेक्ट्स कैसे बताएं, तो ऐसा होता है कि इट जस्ट कीप्स हैपनिंग। सो इवन ही इज गॉट 8-10 फिल्म्स, आई गॉट 8-10 फिल्म्स, ही डायरेक्टिंग फिल्म्स, आई एम आल्सो प्रोड्यूसिंग एंड डायरेक्टिंग एंड आई एम प्रोड्यूसिंग, तो दैट्स इट। चल रहा सर, जाना चाहेंगे आप दोनों ही मिलके कोई पिक्चर साथ में डायरेक्ट करना चाहें? साथ में कैसे डायरेक्ट करेंगे, मतलब मिलके कोई प्रोजेक्ट? ऐसा हो सकता है ये प्रोड्यूस करेंगे, मैं डायरेक्ट करूंगा, ऐसा हो सकता है। एक बड़ी फिल्म बनाएंगे जो इंशाल्लाह, जो लाइक which shows the actual Remo de Souza, what he is. So I'll produce and he'll direct and we'll do something big. Thank you so much, sir. Thank you. Okay. Check me out.
ये बच्चे तो ये हो गए ना अभी आजकल। चलो प्लीज पप्पू जी, अहमद दा एंड ऋषि जी प्लीज अगर आप दिया। आइए सर। आइए सर। थोड़ा जोर से यार, क्या हो गया? Ahmed Khan, Lonji and Sagar and Papuji will be a great support in functioning the association, and all the committee members to play a supportive role in taking the association forward. Today we are greatly honored that our chief guest Mr. Rishi Kapoor is amongst us, and I thank him for the kind gesture, sir. and I'm doubly honored by Rishi's presence, because he's not only a dancing star, but my father Shri Satyanarayan ji had a long association with Theatre and Art Academy. The occasion was also graced by the office members of Federation, Mr. Kamlesh Pandey, President, Mr. Dilip Pitwa, General Secretary, Mr. Ashish Raghur, Treasurer, Mr. Lawrence, Senior Vice President, Mr. Zahid Sheikh, Joint Secretary. They have not come yet, but Mr. Dilip Pitwa and Ashish Raghur just visited and just left for some time. Members, I would like to inform you that we have amended and changed the name of the association from Indian Film Dance Director Association to Indian Film, Television and Choreographers Association in March 2015 in a general body meeting and approved by the members present. But as it is always disheartening that very few members turn out for these meetings and urge them to attend the meetings where we take major decisions for the betterment of the working of the association. Good evening, everybody. I think all the technicalities have been said by Raju himself. This is what it's all about. But he's emphasized on one word, we. Always said, we should do this, we should do this. That is only possible if we are like this. Okay? So then we can dance on that 1, 2, 3, 4 together. If we say 1, 2, 3, 4 together and we dance together. So then we can get the world, you know, we can entertain the world the way it is. And I'm very thankful to all of you all to be here. The seniors are here. The juniors have got so much to learn from the seniors. The television choreographers are here. For them, it's a new world that has opened up. And it's something that is not an opportunity. It is here because we all of us, like always repeat, we are here because we want to be here. Nobody's pushed us. Yeah, tum dance master, but no. I want to dance. I want to become a dance master, so I'm here. So I always repeat this line because this is what we all are. And since Raju has always said we, it can only happen if we are genuinely together. And I hope the seniors keep blessing slow. They are here to bless you people. There's so much to learn. One thing in this life, what I have learned, you cannot stop learning. चाहे आप जितने मर्जी बूढ़े हो जाओ, आपने कहा सीखना कभी कम नहीं होता. आज भी सीखते रहेंगे, जब तक नाच रहे तब तक सीखते रहेंगे. तब तक अपने को कंप्लीट हम लोग नहीं समझते. So I hope this thing happens. We are here to enjoy. Let's take it forward. This is a small skit has been arranged by you, by Mr. Raj Prakash. I think he's happened to fall for you. So let's take on with that. Raj Prakash, please come and come. Ek bhai, dara dekh ke chalo, aage dheere hi